हाँ तो शुरू करते हैं फिजिक्स को दंगों में मार के। एक ऐसी मूवी जिसके पता नहीं क्यों लोग पार्ट्स बनाने पे तुले हुए हैं, मैं बात कर रहा हूँ बागी 3 की, जो हाल फिलहाल में रिलीज हुई है, जिसे डायरेक्ट किया है अहमद खान ने और जिसके अंदर कास्ट है टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर, रितेश देशमुख, आशुतोष राणा, जयदीप अहलावत, अंकिता लोखंडे। अगर इस मूवी में मैं कहानी की बात करूं तो बागी 1 में जैसे लोंडा स्टार्टिंग में क्या होता है कि बागी जवान आती है उसमें लड़की को बचाता है, बागी 2 में लोंडा एक छोटी बच्ची को बचाता है, और बागी 3 में लोंडा एक बड़े आई मीन सॉरी एक अपने भाई को बचाता है यानी लड़के को बचाता है। तो कहानी शुरू होती है टाइगर श्रॉफ के बड़े बड़े डायलॉग से जिसका कोई लॉजिक नहीं है। जब मैं मूवी देखने गया था तो एक छोटी सी गलती हो गई थी, मैं लॉजिक लेके साथ में चला गया तो मरते मरते बचा यार मैं। टाइगर श्रॉफ उफ रोनी जिसका नाम है मूवी के अंदर, उसका एक फट्टू भाई है रितेश देशमुख उफ विक्रम। तो इन दोनों के पिता जो हैं वो बचपन में ही एक बॉम्ब ब्लास्ट के दंगों में, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर इनकी मौत हो जाती है, पता नहीं कोई मार देता है ऐसे कुछ, हाँ गोली मार देते हैं, उसके अंदर उनकी मौत हो जाती है। तब उसके पिता जैकी श्रॉफ टाइगर श्रॉफ को ये कह के जाता है कि अपने भोंदू भाई का ध्यान रख लियो क्योंकि कुछ नहीं पता है एडा है भैया कोई सटका देगा इसको। तो तब से टाइगर श्रॉफ अपने भाई का बहुत ध्यान रखता है, जब भी लड़ाई होती है तो ऐसे रोनी ऐसे करके वो चलाता है, रोनी आ जाता है, फिर मुंडी टेढ़ी करके वो डायलॉग मारता है, अभी कोई मार के चला जाएगा मुंडी टेढ़ी टेढ़ी मत किया करो सीधी कर लिया करो यार। विक्रम पुलिस फोर्स में भर्ती हो जाता है, अबे ये कौन सी पुलिस है जिसके अंदर बिन ऐसे लोगों फट्टुओं को शामिल कर रहे हैं, बिना टेस्ट के शामिल कर लिया यार, यहाँ टेस्ट देने पड़ते हैं, पहले प्री होता है, मेंस होता है, डॉक्यूमेंट होते हैं, यहाँ पे सीधा ही कमाल है। तभी महिलाओं के खिलाफ महाराष्ट्र में जो केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं देख लो। खैर पुलिस वाले विक्रम की फट रही होती है अब क्योंकि अब उसके सामने क्रिमिनल आ गए होते हैं, तो एक सलाह देता है रोनी, क्यों ना मैं तेरा गुंडा बन जाता हूँ और मैं तेरी मदद करूँगा। तो वो मदद करने लग जाते हैं और पुलिस वालों को लगता है कि ये विक्रम ही कर रहा है सब कुछ, मतलब वो ही उसकी सबसे ब्रेव क्रॉप है वो वहाँ पे। अभी कौन से हो यार, कौन सा सस्ता नशा फूंक के बैठे हो, और कौन था राइटर इसका, क्या 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 सोच के बनाई थी मूवी ये। फिर गवर्नमेंट की नज़रों में विक्रम आता है कि भाई ये तो सबसे बहादुर है, गवर्नमेंट इसे सीरिया भेज देती है क्योंकि सीरिया में लोगों को इस मूवी में दिखाया गया है कि लोग जो हैं जो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, जो अपने शरीर पे बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, वो बेचारे मासूम बॉलीवुड वालों की तरफ से बेचारे मासूम उन परिवार को पकड़ के आतंकवादी लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे उनको बम बांध के उड़ा देते हैं, मतलब वो फिदाइन जो भी है जन्नत वन्नत का जो भी मामला इनको ही पता होगा। तो ये वहाँ पे वो चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि बेचारों के बच्चे ना इन्होंने कब्जे में ले रखे होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ये सो कॉल्ड लिबरल जो है ना बॉलीवुड लिबरल वालों के अकॉर्डिंग, तो भैया ये बता रहे हैं कि भैया जो सुसाइड अटैक होता है ना ये इनके पीछे रीज़न होता है, रीज़न ये होता है कि बेचारों को ना जबरदस्ती बंदी बना के ये मर्जी से करना नहीं चाहते। ओहो यार मेरे को ये देख के ना बहुत दुख हुआ यार, ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं यार। तो भाई इस फट्टू क्रिमिनल की ड्यूटी यही होती है कि भैया ये सब पता करें, निकाले उनको, और फट्टू क्रिमिनल जैसे ही फट्टू क्रिमिनल नहीं फट्टू पुलिस वाला जैसे ही जाता है वहाँ पे तो उसको आतंकवादी को धर लेते हैं, वो मारते हैं। रोनी जो वीडियो कॉल कर रहा होता है उसे पता चल जाता है कि हाँ उसके भाई की तो लगी पड़ी है वहाँ पे, तो रोनी अब जाता है वहाँ पे सीरिया में। चलो ठीक था यार इतना हजम कर लिया मैंने कि भाई हाँ पुलिस वाले में उन्होंने एंट्री दे दी, फिर उसे सीरिया भी भेज दिया, रोनी ने उसे देख भी लिया, रोनी वहाँ चला भी गया। अबे श्रद्धा कपूर क्यों लेके गया साथ में, क्या 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 लॉजिक है उसका, मतलब वह करने क्या वाली थी वहाँ पे, मेरे को ये समझाओ यार जरा। तो भाई टाइगर श्रॉफ तो टाइगर है मूवी के अंदर, तो वो अपने भाई का पता करते हैं कहाँ है, तो वो पहुँच जाते हैं अपने भाई को बचाने। यानी एक बंदा हो, दो बंदा हो, 100 बंदे हो यार ठीक है यार, 500 बंदे हो यार, वहाँ हजारों हजारों की संख्या में वो आतंकवादी बैठे हैं, उनको मार मूर के अपने भाई को बचा के, वो पाकिस्तान के जो भी हैं उन लोगों को बचा के या भी जो भी मुल्क है उनको भी बचा के वो लेके आ जाता है। और लास्ट में वो लौंडी आई ना, क्यों लेके आए थे उसको, वो पकड़ा ना उन्होंने, सारों को छोड़ दिया था, लौंडिया को पकड़ रखा, हफ्सी थे वो, पता नहीं समझ में आ रहा था कि
क्यों क्यों लेके गए थे यार, उसकी वजह से फंसे ना यार। तो भाई लास्ट में पता ही है यार सबको, वो आतंकवादी, उसने मर जाना है, अपने भाई को इसको घर लेके जाना है, खुशी खुशी जीना है, यही मूवी है, एंडिंग है, इसमें कुछ है नहीं। अगर देखो ट्रेलर देख लिया होगा ना, तो ये मत बोलना कि भाई मुझे स्पॉइलर बता दे, कुछ नहीं है स्पॉइलर का इसमें, है नहीं, जितना ट्रेलर उतनी ही मूवी। मैं तो कहता हूँ मूवी देखने जाओ ही मत, वो ट्रेलर ट्रेलर में देख लो, वही पूरे हो जाएंगे वहाँ पे। मूवी में जानबूझ कर इमोशनल वो सीन डाले गए हैं, इमोशनल सीन तो वो लगते नहीं, वो इरिटेट जरूर करते हैं यार, बार बार देख के, हो मेरा भाई कसम से यार, इतनी सी फीलिंग नहीं हुई वो देख के यार, पूरी मूवी सरदर्द है कसम से यार। वो देखना, उसे टॉलरेट करना, टॉलरेंस बना दिया यार उसमें। मैं अब तो ना इनटॉलरेंट होना चाहता हूँ इस मूवी के प्रति। ओहो कितनी भयंकर मूवी थी यार, उसे झेलना यार, कोई कम गुनाह, कोई गुनाह थोड़ा ना किया था यार। और नकली आतंकवादी ले रखे थे यार कमबख्तों ने, एक लौंडा नहीं मरा उनसे यार, हेलीकॉप्टर लेके उसको बंदूक के चला रहे, एक बंदे का भी एक निशाना ही नहीं लगेगा यार, साइड में गोली चला रहे हैं बेवकूफ। क्या ये कौन से लॉजिक में चला रहे हो यार, कभी वो स्पाइडरमैन बन रहे हैं, कभी वो वंडर वूमेन बन रही है, मतलब टाइगर श्रॉफ वंडर वूमेन वाली वो शील्ड लेके जैसे वो कर रहा था। गाने तो कॉपी पेस्ट कर रखे हैं भाई साहबों ने, मतलब नई चीज़ों पर तो इनका दिमाग लगाना ही नहीं ना, जो चीज़ पड़ी है वो मार्केट में चको, क्योंकि हमें तो कॉपी पेस्ट, ये जो सुसाइड बॉम्बर है ना, इनको सही सही दिखाना है, इनको साफ साफ दिखाना है, और बाकी और भी काम है वो तो कॉपी पेस्ट करो यार, नई चीज़ें कौन लेके आए। खैर मूवी में यार सरदर्द के अलावा तो कुछ मुझे मिला नहीं इस मूवी में। स्टार की बात करें तो कौन से स्टार यार, एक स्टार लो, चलते बनो, बस इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।